नमस्कार, स्वागत है ETN वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरिना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 8 नवंबर को एपीपी ने मनाया 49वां स्थापना दिवस। 9 नवंबर को सीएम रियो ने कहा इंडो नागा समझौते पर हस्ताक्षर से होगा नया विकास। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने किया नए बायोटेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन। 9 नवंबर को आप सुने जीईएम के जरिए ईसीपीआर कल पुर्जों की खरीद का किया विरोध। 20 जनवरी से मनाया जाएगा अरुणाचल का स्वर्ण जयंती वर्ष। 10 नवंबर को नशीले पदार्थों के तस्करों से सख्ती से निपटने के लिए सीएम ने दिया पुलिस को निर्देश। 11 नवंबर को मुख्य सचिव ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के की समीक्षा। बृहस्पतिवार को रंगदारी के आरोप में 3 गिरफ्तार। 11 नवंबर को टीरा पुलिस ने 2 आदतन नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जवानों ने सोमवार को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 49वां एपीपी स्थापना दिवस मनाया। एपीपी कर्मियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने और पुलिस विभाग और उसके कर्मियों की क्षमता का उन्नयन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देता है। डीसीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वाहनों की उपलब्धता में सुधार करने और बल द्वारा सामना किए जाने वाले वाहनों के रखरखाव और संचालन, पुलिस की नियमित गतिविधियों, वर्दी के प्रावधान, कार्यालय उपकरण आदि जैसे मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया है। उप मुख्यमंत्री श्री चौनामीन ने इस शुभ अवसर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और कर्तव्यों के प्रति समर्पण के सम्मान में वर्ष 2021 के लिए खरसांग पुलिस स्टेशन के निरीक्षक KM दास को प्रतिष्ठित DGP प्रशस्ति डिस्क प्रदान की। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने मंगलवार को कहा कि नागा मुद्दे का समाधान खोजने के लिए केंद्र और वार्ता करने वाले किसी भी समूह के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के नए विकास होंगे और राज्य को बहुत विशेष बना देगा। केंद्र सरकार 1997 से NSNIM और 2017 से 7 समूहों वाले नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप NNPG के साथ 2 अलग अलग बातचीत कर रही है। रियो ने संवाददाताओं से कहा कि वे वार्ता करने वाले पक्ष हैं और यह पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि NSNIM के साथ फ्रेमवर्क समझौते या PG के साथ सहमत स्थिति पर हस्ताक्षर करने का मतलब नागा लोगों की विशिष्टता, इतिहास, संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने के तरीके के बारे में एक प्रणाली तैयार करना है। केंद्र सरकार और NSNIM ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि PG ने नवंबर 2017 में केंद्र के साथ सहमत स्थिति पर हस्ताक्षर किए। रियो ने कहा, हमारे साथ कई और नई चीजें जोड़ी जाएंगी और कोई समझौता होता है तो हम एक बहुत ही खास राज्य होंगे। मंगलवार को केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पापुम पारे जिले में जैव संसाधनों और सतत विकास के लिए DBT APCS एंड टी उत्कृष्टता केंद्र और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर सिंह ने आशा व्यक्त की कि केंद्र युवाओं के लिए आजीविका और स्वरोजगार के नए रास्ते खोलने के अलावा जैव विविधता और बागवानी और कृषि जैसे संबंधित क्षेत्र के विकास की सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र जिसमें ऑर्किडेरियम बनाना, फाइबर प्रोसेसिंग यूनिट और एरोमा यूनिट सहित 3 इकाइयां हैं, जागरूकता पैदा करेगा, युवाओं को शिक्षित करेगा और उन्हें जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए कई ICAR CSIR संस्थानों के साथ एकेडमिक संबंध भी स्थापित किए हैं, क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश के भावी युवा उद्यमियों के लिए अवसर पैदा करेंगे। केंद्र राज्य के 4 जिलों के 50 गांवों के 10,000 किसानों की मदद करेगा। मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से किसानों को जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह उन्हें कई फसल और अंतर फसल अपनाने में सक्षम बनाएगा। मंत्री ने राज्य में जैव प्रौद्योगिकी में कौशल विज्ञान कार्यक्रम का भी शुभारम्भ किया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आपातकालीन COVID-19 प्रतिक्रिया योजना ECPR से संबंधित घटकों की खरीद के कथित कदम का कड़ा विरोध किया। एक बयान में आपसू ने कहा कि उसे विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि GEM के माध्यम से घटकों की खरीद के लिए 9 सितंबर 2021 को ECPR 2 के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक में प्रस्ताव को अपनाया गया है। आपसू ने कहा कि विभाग द्वारा GEM के माध्यम के खरीद का विकल्प चुनने का निर्णय राज्य सरकार के वोकल फॉर लोकल के मूल एजेंडा के खिलाफ है।
संघ ने एक प्रेस बयान में कहा, निर्णय स्वदेशी विरोधी है और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जीईएम से खरीद की ढील देने वाले राज्य सरकार के स्थायी आदेश का उल्लंघन है। यह कहते हुए कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य की अर्थव्यवस्था महामारी और बेरोजगारी के दर से बुरी तरह प्रभावित है, युवाओं के बीच उच्चतम बिंदु पर है। आपसू ने स्वास्थ्य मंत्री से वास्तविक आधार पर निर्णय का पूर्ण विचार करने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश की 50 साल की यात्रा को 20 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले राज्य के साथ साथ राज्य के बाहर एक महीने के लंबे कार्यक्रम के साथ चिन्हित किया जाएगा। राज्य विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि समारोह समिति का गठन किया गया है। समिति ने फैसला किया कि 20 जनवरी 2022 को जीरो में महीने भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि जीरो से राज्य ने 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया था और अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया था। और समापन समारोह ईटानगर में राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले महीने भर चलने वाले उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक, स्वदेशी खेल और खेल आयोजित किए जाएंगे। पीडी सोना ने कहा कि उत्सव के माध्यम से हम राज्य के अपने अतीत और भविष्य के बारे में युवा पीढ़ी सहित लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर किसी के पास कोई पुरानी फोटो या वीडियो है जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहानी बताती है तो उसे उत्सव समिति को प्रदान करें ताकि वे इसे संग्रहित सकें और राज्य का इतिहास युवा पीढ़ी तक बता सकें। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति और होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण, जिला अस्पतालों और ट्रिम्स की समीक्षा की। तेजू खोंसा, रोइंग, चांगलांग, आलो, जीरो, नामसाई, बोलेंग, बसार, रागा आदि में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और उन्नयन की भी समीक्षा की गई। होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के क्षेत्र में फोर लेन पहुंच मार्ग के निर्माण का 67% 10 नवंबर तक पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने क्रियान्वयन विभागों से कहा है कि वे परियोजनाओं में देरी ना करें और निर्धारित लक्ष्य के भीतर परियोजनाओं को पूरा करें। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और डिजाइन से किसी भी कीमत और समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों, मुख्य अभियंताओं और नोडल अधिकारियों को कार्य की निगरानी और निगरानी के लिए अक्सर साइटों का दौरा करने के लिए कहा। उन्होंने क्रियान्वयन करने वाले विभागों को काम के मौसम का सदुपयोग करने और परियोजनाओं को जल्द और समय पर पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य पुलिस से नशा करने वालों से सावधानी से निपटने और तस्करों से सख्ती से निपटने का आग्रह किया है। मंगलवार को यहां राज्य पुलिस मुख्यालय में अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र बटालियन और भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंट के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए खांडू ने कहा कि उनकी सरकार मादक पदार्थों की तस्करी या दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि नशा एक गंभीर मुद्दा है, यह पूरी तरह से एक पीढ़ी को नष्ट कर सकता है। हमें समाज के संरक्षक के रूप में अपना भविष्य बचाने के लिए सब कुछ करने की ज़रूरत है। माता पिता बच्चों की शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इनमें से कुछ कमजोर युवा बुरी तरह संगत का शिकार हो जाते हैं और व्यसनी बन जाते हैं। खांडू ने एसपी से आग्रह किया कि वे अपने अपने जिलों में नशा करने वालों पर नजर रखें और अपनी पहचान गुप्त रखते हुए उन्हें सलाह दें। साइबर अपराध को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे विविध आदिवासी राज्य में सोशल मीडिया के किसी भी दुरुपयोग से तुच्छ मुद्दों पर भड़क सकता है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि राज्य पुलिस की पहाड़ी राज्य पुलिस बलों में 8वीं से 5वीं रैंकिंग में सुधार सबसे अच्छा होने की क्षमता को दर्शाता है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि एक महिला से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में होलोंगी इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान असम के बक्सा जिले के तामुलपुर थाना क्षेत्र के दोमारिया गाँव के निवासी खामिन स्वर्गियारी, विक्रमपुर के जनक बसुमतारी और बकुला सोनितपुर के मजरुल इस्लाम के रूप में हुई है।
मामले का विवरण साझा करते हुए राजधानी के एसपी जिमी चिरम ने कहा कि पिछले 29 सितंबर को चिंपू पीएस में प्राथमिकी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को उल्फा आय का सदस्य बताकर महिला को फोन किया जो गोहपुर में रहती है और मांग की 30 लाख रुपए और मांग पूरी नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच जबरन वसूली करने वालों में से एक ने शिकायतकर्ता को होलोंगी के पास 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा था। एसपी ने बताया कि इसके बाद ईटानगर के एसडीपीओ कामदाम सिकोम के नेतृत्व में से एक पुलिस दल ने गत 9 नवंबर को होलोंगी चेक गेट के पास असम अरुणाचल सीमा क्षेत्र के कथित जबरन वसूली करने वालों को पकड़ा था। गुरुवार को अपने स्रोत से इनपुट पर गुप्त रूप से कार्य करते हुए इंस्पेक्टर डब्ल्यू कामुआ के नेतृत्व में तिरप पुलिस के एंटी ड्रग स्क्वाड ने एसपी तिरप की करीबी निगरानी में खोंसा लॉन्गडिंग रोड से दो नशा आदतन तस्करों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान नोकपो नोबांग और नोकमाई सियांग के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों रात के समय मोटरसाइकिल से करीब 15.6 ग्राम हीरोइन लॉन्गडिंग जिले के तीसा से तिरप जिले के ओल्ड टूपी ले जा रहे थे। हीरोइन मोटरसाइकिल आधार कार्ड मोबाइल फोन रुपये की नकद आय जैसे सामान कार्यपालक दंड अधिकारी की उपस्थिति में 3,300 रुपयों की जब्ती की गई। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और खोंसा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ईटन वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़े रहे स्टंट टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।